फिर आ जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम ताल की पार पर बैठ के आवाज लगा दो, एक महान क्षत्रिय, वो कायर नहीं है, क्षत्रिय आवाज को सुन के निकल के आएगा। एक बात जीवन में ध्यान रखना, पानी में आवाज पार नहीं होती है, ये भगवान की माया थी, ये भगवान की माया थी। आज जल के भीतर आवाज गई, भीमसेन ने ताने दे कि दुष्ट तेरा सब परिवार लड़के मर गया और तू अकेला जल में छिपा बैठा है। श्रोता बंधु, उसी समय लक्ष्मी में लात मार के आज दुर्योधन बाहर निकल के आया, और जैसे ही बाहर आया तब कहीं कहां है दुष्ट, कहां है भीम, न कुछ से आजा, कहां मैं युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूं। पर धन्य दुष्ट जैसे अवतार, लड़ाई बिल्कुल जीत ली थी, विजय बिल्कुल पाले में खड़ी थी, और अकेला दुष्ट सामने खड़ा। इतने ऊपर दुष्ट महाराज ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के क्या कही, क्या पांच गाम हम दे दिए, एक बात बताएं, तुम लड़बो ही चाहते हो तो हमें पांच तुम हो अकेले, लड़ाई तो नहीं, अगर नीत की लड़ाई चाहो तो हम पांच हैं, तुम द्वय नमे ते छांट लो, तीन तुम हो जाना, तीन ही हम हो जाएं। लेकिन नहीं, दुर्योधन कहता है मैं दुश्मन की मदद लेके, दुश्मन की मदद लेके और लड़ाई जीतूं, ये धर्म नहीं होगा, ये धर्म नहीं होगा, जो कई का धर्म नहीं होगा। एकदम दुष्टर के धक्का लगा रहे, पापी तू धर्म में जानता कायते कहते हैं, पर ये धर्म शब्द दुर्योधन तेरी जवान पे आया जरूर, पर बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। क्या बोले युधिष्ठिर, आंखों में आंसू भरे हुए थे, अरे आई तो याद धर्म की गुरुदेव, आज अंत समय बेलाई और जे याद पहले आती तो होगी। तो इतना बड़ा संग्राम विनाश नहीं होता। श्रोता बंधु, उस समय दुर्योधन की भीम की दोनों की लड़ाई निश्चित हुई, गदा युद्ध हुआ दोनों में। भीमसेन जब गदा का बार करते थे सीना पर तो लोहे जैसी आवाज आती थी, और उधर से वो दुष्ट मार करता था तो खून की धार आती थी शरीर में से, क्योंकि उधर तो वज्र का हो गया था। अब अर्जुन ने कही, कन्हैया आज अंतिम लड़ाई है, जा मैं जीते हो को। भगवान ने कही, पारथ बल भीमसेन में ज्यादा है लेकिन बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है, लेकिन बल बुद्धि के सामने हार सकता है। तो प्रभु 18 दिन से जिता लाए हो, तुमने कहा आज और कैसे हूं, लाज बचा दो। तब कही, तुम्हारे भैया ने एक मेमा देख ले तो मैं कछु कह सकता हूं, लेकिन बलराम भैया संग खड़े बीच में, और बलराम के ये दोनों चेला हैं, ध्यान रखना मेरे ठाकुर जी अगर कभी हारे हैं तो हमेशा हारे तो भक्तों के सामने हारे और किसी के सामने हारे। एक बार जब वृंदावन में, सभी ध्यान से सुनना, बस यही थोड़ी देर 2 मिनट की बात है, उसके बाद आरती करवाएंगे। वृंदावन में एक बार हमारे सूरदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी, इन दोनों की भेंट हुई, तो सूरदास जी शरीर में हल्के और आंखें दिखाई ना दे तो, और तुलसीदास जी ने शरीर तो मजबूत है, तो बेतो कन्हैया पकड़े ठाड़े सूरदास जी, और गोस्वामी जी भगवान राम के साथ ठाड़े। सो
सूरदास जी ने कही कि ऐसा करो, काहे जी सीताराम सीताराम जप रहे हो, तुम मेरे कन्हैया में आ जाओ। गोस्वामी जी बोले भैया जा में तुम होता में तुम बने रहो, जा में होता में मोई बनो रहने। कहना तुम्हारे श्री राम के मेरे कन्हैया में भजन जा रहे, अब जा लें आ जाओ। गोस्वामी जी ने की तो क्या बात पर मैं शर्त दिया तो तुम अजमा लो, अजमा लो कि कैसे तराजू टांगो, तराजू टांग दो, एक पला में तो श्री राम लेके मैं बैठूंगा और एक पला में पे कन्हैया लेके तुम बैठियो, जो पला झुक जा सो जीतू। तराजू टांगा गया सो सबसे पहले गोस्वामी जी बैठे, सो गोस्वामी जी ने एकदम कही के बोल सियावर रामचंद्र की, बैठ गए पला में और उतरते उनने कही के बोल कन्हैया लाल की, दोनों पलन में बैठे। सो गोस्वामी जी बा पला है वो धरती पर, सूरदास को चलो ऊपर हार जी देगी। एकदम सूरदास उतर के चले और घरे आया और घरे आए तो ठाकुर जी की मूर्ति धरी, जो की खबरदार आते तुम मेरे ना मैं त्याग, तुम्हारे ज्यादा बुरे पेटो को मैंने कोई देखो नहीं, आ तो तुम्हारे चोरे बात करवाइए भाई। मूर्ति ठसक के धरी ले, तुम आ पाए घर मैं पाए घर, आते नाम ही ले जाओ त्याग में मोए ठीक बैठ गए, ना पानी पियो ना रोटी खाई। थोड़ी देर बाद बाल रूप धारण किया और तब पीछे थे कही नाराज हो, खबरदार बोलने की जरूरत ना, नाराजी कह रहा तुम्हारे मैं किरकिरी करवा दी सबरिया, तुम मे नाम में त्या हो रहा हूं कि न नाराज हो, बात तो सुनो तक हाँ बोलो क्या कह रहे हो, तो तुम्हारी हाथ जीत भैया तुम्हारी कमी है मेरी कमी। सूरदास फिर बोले कि बिल्कुल जरे पे आज फटफुआ फट डाल रहा, फूस डाल रहा, एक तो हार करवा दी चोरे में काउ दीन में ना छोड़े, हमें ऐसी मालूम होती तो तखरिए न टंगवाते हम, और फिर और कह रहे हो त्याई कमी, मैं क्या कमी जान बताइए भगवान की, तो नहीं सुनो तो सही, अब इतनी गर्मी काई को पकड़ रहे, मैं बता रहा हूं तुम्हारी कमी है कि कौन सी, कि जी बताओ कि जा समय गोस्वामी जी पला में बैठे तो उन्होंने क्या कही और तुमने क्या कही, जी बता दो बस सुनो तो। अब सूरदास ध्यान तब भगवान ने पीछे थे कही सुनो, उन्होंने कही जब पला में बैठे तब के सियावर रामचंद्र की, तो बा एक पला में राम और सीता द्वे है गए, तीसरे तुलसीदास हो गए, बा में आ गए तीन, और चाल तुम शरीर के हलुके हो और मैं छोटो हूं तो जा में मैं हो तुम द्वे ही रह गए, द्वे का डेढ़ रह गो, तो हाजी तो तुमने करी है, ऐसा करो जा में नाराज मत हो, जा में तुम स्पष्ट कह दो भैया कमी मुंह पे बनी है, अगर तुम कह देते द्वारकाधीश कृष्ण और राधा की तो पला बराबर रुक जाता था गरीब, पर कमी तो तुम पे बनी है और तब तुम नाराज आ रहे हो, अरे मेरे ठाकुर भक्तों का फैसला ऐसे करता है, इस तरह से करता है। बोलिया कन्हैया लाल की। श्रोता बंधु उस समय दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध हुआ और जब दोनों ही लड़ रहे थे तो कन्हैया ने क्या कहा, अरे भैया भीम लड़ता बहुत अच्छे रहे हो पर आज जैसा दाव मैंने कबू देखो ही नहीं क्या, अरे तब कर दाओ श्याम ईशा तो अच्छे रहे हो भैया भीम पर
हमारे सतीश चाचा जी से निवेदन है कि एक जने का और लेके जी प्रसाद खुलवा दो, ने प्रसाद बटवे बाबू तो गजों को तो ही रखो बंदो, एक जने का और बुलवा लो। श्रोता बंधु, आज दुर्योधन की जंगा टूट गई, अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार ये तीन बच गए थे। ये तीनों जब आए हैं तो धरती पर पड़े हुए थे दुर्योधन। श्रोता बंधु, तिलक लगा दिया अश्वत्थामा के। अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर में जो सेना बच गई थी उस सेना को रात में सोते हुए मारा, और जो पांच पुत्र थे द्रौपदी के, पांचों भाइयों से पैदा थे, पांचों पुत्रों को जब मारा है उसने और लाकर के वो शीश जब दुर्योधन को दिखाए हैं और प्रकाश में जब देखा उसने तो दुर्योधन को कष्ट हुआ कि मेरा वंश मिट गया लड़के, तुमने भैयन को वंश मिट दो, आज इस कुल का दिया बुझ गया, इससे ज्यादा मुझे दुख बड़ा कोई होगा नहीं। उसी दुख में दुर्योधन का प्राण छूट, दुख में ही प्राण छूटे। श्रोता बंधु, इधर जो ब्रह्मास्त्र चला दिया था अश्वत्थामा ने बचने के लिए, और इधर से ब्रह्मास्त्र चला दिया था अर्जुन ने, दोनों ही ब्रह्मास्त्र जब आकाश में टकराने तो भागवत जी में लिखा है कि वेद व्यासी ने, नारद जी ने, दोनों ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र पर गर्भ का मंत्र लग गया था कि जहां तक इसकी आवाज जाएगी वहां तक किसी महतारी के उदर में गर्भ नहीं बचा। तो वो आवाज उत्तरा के गर्भ पे जाकर के लगी तो उत्तरा के दर्द, उत्तरा के जब दर्द हुआ तो उसने सुभद्रा से जाकर के कहा था, अपनी सास सास ने कही, जब आंखों में आंसू भर रहे पेट में दर्द हो रहा था, तब जीवन में ध्यान रखना क्या कहा, अरे मेरी सासु ने प्राण बचाई गुरुदेव, पेट में दर्द भारी मेरी सासु। निशानी एक है तो जा उत्तरा के उधर, भगवान कृष्ण से कहा भैया अब वंश मिट जाएगा, जा उत्तरा के उधर में दर्द हो रहा है। सोच समझ के मनमोहन ने चक्कर लाए उठाए, सोच समझ के मनमोहन ने चक्कर लाए उठाए, से उसका ढकना बनाया, बच्चे की सुरक्षा की। जब ये उत्तरा के पुत्र जन्मा था, इसी पुत्र का नाम था विष्णुरात, विष्णुरात। और जब ये बच्चा सबकी तरफ देख रहा था और जैसे में कृष्ण पर नजर पड़ी, अब परीक्षा की उसने कि जे रूप मेहतारी के उदर में वो भीतर और बे रूप सामने, तो भगवान कृष्ण ने कही के बहन
ये बच्चा मेरा परीक्षण मेरी परीक्षा कर रहा है, तो इसका मैंने अपनी तरफ से नाम परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित जी, इस तरह से प्रकट हुए जन्मे तो महाराज परीक्षित जी राज सिंहासन के मालिक बने थे। पांडव राजधानी को छोड़कर के हिमालय के लिए चले गए, शरीर को त्याग दिया था। सबसे पहले शरीर द्रौपदी का गला था, द्रौपदी का। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज के सब भाई गलते हुए चले गए। अंत में युधिष्ठिर शरीर सहित खड़े रह गए, केवल एक कुत्ता रह गया था संग में, और कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा, एक कुत्ता खड़ा था। ध्यान रखना, उस समय जब विमान आया था युधिष्ठिर के लिए उतर के, तो देवदूतों ने कहा युधिष्ठिर से, महाराज आप धर्म अवतार हैं, आप शरीर सहित बैठिए वाहन में। जब शरीर सहित बैठने के लिए कहा युधिष्ठिर महाराज ने, भैया जो कुत्तौ और रमेश, तब वे देवदूत बोले कि जी देवतन को वाहन तुम्हारे रहे, कुत्तन के लेना है। विचार करना है युधिष्ठिर का जवाब क्या था देवताओं के दूत से, कि जिस समय हस्तिनापुर से चला मैं, जिस समय हस्तिनापुर से चला हिमालय के लिए, पत्नी ने संग छोड़ा, सहदेव ने संग छोड़ा, नकुल ने संग छोड़ा, मेरे भीम और अर्जुन ने संग छोड़ा, लेकिन जब कुत्ता ने मेरा संग नहीं छोड़ा। ऐसे विमान देवताओं के, और वो देवलोक मुझे हजारों बार ठुकराना स्वीकार है, पर जब कुत्ता को ठुकराना स्वीकार नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उसी समय धर्म प्रकट होते हैं, वो कुत्ता और कोई नहीं था, वो धर्म था, धर्म थे। तब कही धन्य है दुष्टार, पूरे जीवन में मैंने परीक्षा ली तो तब भी तुम धर्म से नहीं हटे, और आज अंतिम समय चलते समय भी तुम धर्म से नहीं हटे। शरीर सहित धर्मराज दुष्टर ज्यों के त्यों चले गए। महाराज परीक्षित जी जंगल में जब घूम रहे थे, उस समय गाय पृथ्वी गाय बनी थी, धर्म बैल बना था। उस समय गाय को एक चांडाल ने जब मारना चाहा, तो पृथ्वी ने कहा कि महाराज चार खंभ थे, तीन काम नहीं कर रहे, केवल एक काम कर रहा है, और वो है सत्य। सत्य रह गया, तीन पैर टूट चुके हैं। तब परीक्षित महाराज ने कहा कि तू इस जमाने में, परीक्षित के जमाने में तू गाय पे बैल पे आक्रमण नहीं कर सकता। अरे अर्जुन ही तो नहीं है, लेकिन अर्जुन का वंशज मौजूद है। तब कही महाराज रहवे को स्थान बताओ, तब कही कि जहां गुरु का अपमान होता हो तू वहां रहे, जहां ब्राह्मण का निरादर होता हो तू वहां रहे, माता पिता का निरादर होता हो तू वहां रहे, और पराए धन में तेरा पास रहे। ये परीक्षित जी ने वचन दिया। महाराज परीक्षित जी लौट आए। एक दिन जब भ्रमण में घूम रहे थे, तो एक कमरा जो कोने में बंद था, तो पांडव ये कह गए थे कि जा कमरा को कभी जीवन में खोलना मत, खोलना मत। और आज जब शरीर में सबसे ज्यादा खराब चीज है तो मन है,